मैं बहुत एक्साइटेड हूँ यार, बिल्कुल नर्वस नहीं हम लोग, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी मेहनत की है इस फिल्म में, और एक फन कॉमिक केपर है, और बहुत सारे दोस्त लोग आ रहे हैं, तो ऑफकोर्स एक्साइटिंग रहेगा। जब कोई काम करो और उसमें आपके दोस्त लोग, फैमिली लोग आके सपोर्ट करते हैं, तो अच्छा ही लगता है। हाँ बिल्कुल, मेरा कैरेक्टर ऐसा है जैसा रियल लाइफ में मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। हैप्पी गो लकी है जो ऐसा लड़का है, जो जिसका एक डायलॉग है कि 2020 में रन्स और ज़िंदगी में पैसे आने ज़रूरी हैं, कैसे आ रहे हैं नो वन बॉदर्स। उसका ये कि आज जितनी पार्टी हो सकती है आज हो जाए, कल किसने देखा है। एंड वही मैं जायद का रूममेट हूँ, तो उसकी लाइफ में जो मस्ती है वो मेरे कैरेक्टर के थ्रू है। मैं तो ये भी है कि बहुत सारे शरीफ लोग हैं, बहुत सारा काम करते हैं, लेकिन कई लोग उनके लाइफ में क्रेडिट ले लेते हैं उनके काम के लिए, या उनका एडवांटेज उठाते हैं या उनका फ़ायदा उठाते हैं। तो उस टाइम पे आदमी को बोलना पड़ता है कि शराफत गई तेल लेने और अपना जैकेट ड्राई क्लीनिंग के लिए भेजना चाहिए। नो, सो बेसिकली कि कोई आपका फ़ायदा नहीं उठा, आप शरीफ हैं बहुत अच्छी बात है, आप अच्छा काम कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी को आपका फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए और एडवांटेज नहीं उठाना चाहिए। तो एट दैट मोमेंट एक शरीफ आदमी यही बोलता है कि शराफत गई तेल लेने। तो ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि शरीफ मत रहो, शरीफ रहो, लेकिन किसी को अपना फ़ायदा मुद्रा उठाना दो। मेरे को बहुत लोगों ने बोला कि ऐसे कैरेक्टर में उन्होंने मेरे को पहले नहीं देखा, बहुत ही कॉमिक रोल लग रहा है लोगों को, क्योंकि मैं हमेशा सीरियस, या अगर आप मोड़ देखें तो उसमें एक बहुत ही अलग किस्म का रोल था, और अभी मैं जो कर रहा हूँ पुकार में वो एक्शन है, तो ये एक फन फील्ड रोल है, जो जो भी देख रहा है उनको अच्छा लग रहा है।